आगर मालवा क्षेत्र के विधायक विभिन्न वानखेड़े ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अजीबोगरीब मांग की है। वानखेड़े ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश से कोरोना को भगाने के लिए चुनाव करवाए जाएं, ताकि भीड़ देखकर कोरोना भाग जाए, क्योंकि जहां चुनाव होते हैं वहां से कोरोना भाग जाता है, जैसा कि अन्य चुनाव वाली जगहों पर हो रहा है। कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अजीब मांग की है। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश की जनता कोरोना को लेकर भयभीत है। इंदौर, आगर मालवा समेत पूरे राज्य में कोरोना तेजी से फैल रहा है, क्यों ना इससे बचने के लिए राज्य में चुनाव कराए जाएं, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाएं, बड़ी रैलियां और भीड़ देखकर कोरोना मध्य प्रदेश से भाग जाएगा। विधायक ने आगे लिखा है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है और रैलियां आयोजित की जा रही हैं, ऐसे में कोरोना वहां नहीं फैल रहा। बंगाल में पीएम मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, जबकि आम जनता को त्यौहार के समय घर में रहने की सलाह दी जा रही है। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगरीय निकाय चुनाव और अब पंचायत चुनाव टलना लगभग तय है। मध्य प्रदेश में कोरोना के नाम पर मजाक हो रहा है। मुख्यमंत्री जी 100-100 200-200 लोगों के साथ में मास्क बांट रहे हैं, सायरन बजा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी लाखों लोगों के साथ रैलियां कर रहे हैं और आम जनता के जब त्यौहार आते हैं तब बोल दिया जाता है कि कोरोना है, त्यौहार ना मनाएं, घर से ना निकलें, लोगों के व्यापार ठप पड़े हैं। जहां पर चुनाव होने वाले हैं वहां पर लाखों लोगों की रैलियां हो रही है, तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना व्यापक मजाक जनता के साथ कर सकते हैं तो जनता को भी अधिकार है। मेरी विनती है प्रशासन से, मध्य प्रदेश की सरकार से, जनता के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। बहरहाल कांग्रेस विधायक ने भले ही चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सरकारी तंत्र पर निशाना साधा हो, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां चुनाव होते हैं वहां कोरोना बिल्कुल गायब सा हो जाता है और जहां लोग अपने जीवन यापन के लिए मेहनत और कार्य कर रहे होते हैं वहां कोरोना आ जाता है। बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर कर्फ्यू लगा दिया जाता है, लोग बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति खराब होने से परेशान रहते हैं। असम, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के दमों में कोरोना जैसे भीड़ को देखकर गायब ही हो गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।